हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बिमानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट RBL बैंक मंथली ट्रीट्स क्रेडिट कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है और इसके वन बाय वन मैं इसके बेनिफिट्स और फीचर्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये कार्ड मंथली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है ये मंथली ये लोग चार्ज करते हैं, एनुअली चार्ज नहीं करते हैं। और इसकी जो फीस है वो 75 रुपीज़ पर मंथ है। बट अगर आप 3000 रुपीज़ की स्पेंडिंग करते हैं इसमें, तो आपका ये मंथली फीस वेवर हो जाता है। और आप 5000 रुपीज़ इसमें अगर स्पेंड करते हैं मंथली, तो बहुत ज़बरदस्त कैशबैक अनलॉक होते हैं। 10% कैशबैक्स अनलॉक होते हैं इसमें, और वो भी उन्होंने ऐसे फील्ड्स में अनलॉक किए हुए हैं, टाई अप किए हुए हैं कि ये एवरीडे यूज़ में एक कॉमन मैन को आता ही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ग्रोसरीज में 10% दिए हुए हैं, उसके बाद बुक माई शो में 10% दिए हुए हैं, उसके बाद स्विगी में 10% दिए हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने बिल पेमेंट्स में 10% दिए हुए हैं। खैर, बिल पेमेंट आपको उनके ऐप से करना पड़ेगा। अब दोस्तों, वो 10% जो है वो उसको कैपिंग है, उसको पर मंथ की 100 रुपीज़ की कैपिंग है, अदरवाइज तो RBL बैंकरप्ट हो जाएगा। बट वो 100 रुपीज़ जो है वो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि कंबाइंड 100 रुपीज़ है। तो आपको 100 रुपीज़ कैपिंग मिलेगी स्विगी में, 100 रुपीज़ कैपिंग मिलेगी बुक माई शो में, और सारे जितने भी इनके टाइप से। मेरे हिसाब से ये कार्ड एक बिगनर या एक कार्ड ये कार्ड जो बहुत हैवी यूज़र नहीं है, मंथली 8-10 हज़ार रुपये का अगर उसका स्पेंडिंग हो जा रहा है, और ऐसा बंदा जो जिसकी जो स्पेंडिंग है कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में है, और हर एक फील्ड में होती है, बिल तो भरना रहता है घर का, फिर मूवीज़ भी जानी रहती है वंस इन अ वाइल, फूड भी ऑर्डर करते, तो हर एक फील्ड में जिसका स्पेंडिंग करीब करीब मंथली 10 हज़ार के आसपास है, उसके लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और इसको छोड़ के RBL के और भी जो ऑफर्स लगते हैं, और RBL के बहुत सारे ऑफर्स भी रहते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, वो भी इसमें अवेल होते हैं। और ये जो कैशबैक है ये विद इन 3 डेज़ आपके अकाउंट में आ जाता है, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आ जाता है। उसके ऊपर आप जो स्पेंडिंग करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलता है। तो अगर आप 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग करते हैं ऑनलाइन पे, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और ऑफलाइन करेंगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा एक्सेप्ट फ्यूल। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड, वापस बोल रहा हूँ, लेना चाहिए जो जिसका फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, जो बिगनर है। खैर, इसकी कस्टमर सर्विस मैंने सुना है RBL बैंक की इतनी खास नहीं है, बट मैं भी RBL Zomato क्रेडिट कार्ड मेरा एवरीडे कार्ड के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी ये कार्ड में फ़िलहाल कुछ दिक्कत आई हुई नहीं है, तो मेरे हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कार्ड। इसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत मिनिमल रखी हुई है, इसकी मंथली इनकम जिसकी 25,000 एंड ऊपर है उसको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड कैशबैक के सेक्टर में बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसकी मैं कंपैरिजन अभी आगे सोच रहा हूँ करूँ HDFC के जो कैशबैक कार्ड है उससे करूँगा आगे, और देखूँगा कि एक HDFC का कैशबैक और ये RBL का कैशबैक में कौन सा कैशबैक कार्ड अच्छा है। बट आज मैंने सोचा ये क्रेडिट कार्ड के बारे में बताओ, RBL बैंक मंथली क्रेडिट कार्ड, मंथली ट्रीट्स क्रेडिट कार्ड। और बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।